Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss types of curriculum. We discussed the curriculum, we discussed the importance or significance of curriculum and also the principles of curriculum. So let's see what are the types of the curriculum. Well, there are different types of curriculum and some of the important types of curriculum are traditional curriculum or subject-centered curriculum, activity-centered curriculum, child-centered curriculum or learner-centered curriculum, experience-centered curriculum, basic education curriculum, life-centered curriculum, and undifferentiated curriculum. So let us discuss them in detail. Firstly, we will discuss subject-centered curriculum. Subject-centered curriculum. You should keep in mind that हमने इसको पहले ही discuss किया हुआ है, आज हम revise करते हैं. तो इसमें आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि subject-centered curriculum जो है, इसको हम book-centered curriculum भी कहते हैं, या इसको हम traditional curriculum कहते हैं. चाइल्ड सेंटर करिकुलम को हम बुक सेंटर करिकुलम भी कहते हैं या ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहते हैं बिकॉज इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देता है, ज़्यादा प्रेसिडेंस देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और या हम ये कह सकते हैं कि इट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल टू एक्वायर द सब्जेक्टिव नॉलेज हासिल करने के लिए चाइल्ड सेंटर करिकुलम को यूटिलाइज करते हैं. लेकिन पर्सनल या सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में उतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि इट इज थ्रस्टेड इट यू नो इट गिव्स इम्पोर्टेंस एंड इट गिव्स मोर फोकस ऑन द सब्जेक्टिव नॉलेज. इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली ये है कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड क्योंकि इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द चाइल्ड विदाउट मच रिगार्ड टू हिज इंटरेस्ट. इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम जो टीचर है, टीचर एंड टेक्स्ट बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द चाइल्ड दैन द लर्नर. द लर्नर जो है इसमें फाइनली ही रिमेन्स इन द बैकग्राउंड. ईच सब्जेक्ट जो है इज कंसिडर्ड टू बी ए सेपरेट एंटिटी और इसका स्कोप जो है दैट इज क्लियरली डिफाइंड. चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के डिफरेंट मेरिट्स हैं एज वेल एज इसके डिमेरिट्स भी है. मेरिट्स की अगर हम बात करेंगे, मेरिट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज इट इज कंट्रोल्ड बाय द टीचर एंड क्योंकि टीचर जो है ही इज होली ही सीम्स टू बी होली रिस्पॉन्सिबल एंड केयर टेकर. टीचर जो है उसका मेन रोल होता है इसमें क्योंकि सब्जेक्ट या बुक पे जो थ्रस्ट किया जाता है उसमें स्टूडेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है. लेकिन और इसमें जो है क्लासरूम कंडीशंस में जो टीचर का जो है टीचर होली एंड सोली कंट्रोल दिस यू नो द क्लास. अनदर मेरिट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज दैट इट लेज एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ फैक्ट्स. इट एन इम्पॉर्टिंग नॉलेज क्योंकि बुक्स में ज़्यादा जोर देता है ये टाइप ऑफ करिकुलम. सो फिर नेचुरली जो टीचिंग ऑफ फैक्ट्स हैं फैक्ट्स को पढ़ने में ये ज़्यादा जोर देता है और इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं फॉर द सेक ऑफ पॉसिबल फ्यूचर यूज. एंड थर्ड वन इज द टाइप ऑफ करिकुलम ऑल्सो एजुकेट्स द टीचिंग फॉर स्पेसिफिक हैबिट्स एंड स्किल्स एज ए सेपरेट एंड आइसोलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक इन स्कोप बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी. इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सिलेक्ट किया जाता है एंड उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बिफोर द टीचिंग. सो जब प्री प्लानिंग होती है इसमें तो जो मैक्सिमम जो पढ़ाना होता है उसमें एक टाइम भी कम लगता है और जो सिलेबस भी है दैट वो कवर होता है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर.
another point is that it actually facilitates the examination and testing. ये रहे इसके मेरिट्स, लेकिन इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमेरिट ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज दैट इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी. इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज जो ये ज़्यादा सब्जेक्ट पे देता है, ये जो दूसरे स्टूडेंट्स के जो नीड्स होते हैं, इंटरेस्ट्स होते हैं, एबिलिटीज होते हैं, उनको इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दोज नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. सो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है. एंड जो ये है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और इट इज़ यू नो इम्पोज्ड और थ्रस्टेड, क्योंकि इसको पहले ही प्रिपेयर किया जाता है और बुक में जो होता है उसी के हिसाब से जो चलना पड़ता है एक स्टूडेंट को, उसके जो दूसरे जो उसके नीड्स हैं या जो उसके जो डिज़ायर्स हैं या जो सीखना चाहता है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो बाय एंड लार्ज उसको अच्छी तरह टाइप नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थ्रस्टेड नॉलेज का ज़्यादा ये होता है. और अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस करिकुलम इज दैट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू you know that watertight compartments, or jo correlation hai that is not seen among them. It's also one way communication because teacher is wholly and solely responsible. Teacher takes the control of the class and the students ki jo active teaching hoti hai, jo students ki participation hai wo nahi hoti hai. So active participation teaching learning mein nahi hoti hai. Another one is the activity centered curriculum. Activity-centered curriculum को जो है, इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट. जो ये एक्चुअली इज द रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल करिकुलम. ट्रेडिशनल करिकुलम जो है उसके अगेंस्ट आया है, जो कि ओनली टीचर सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर डोमिनेटेड था. चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है या एक्टिव एंड एक्टिविटी मूवमेंट, इससे जो है इट लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम. क्योंकि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम इज दैट करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम वो करिकुलम है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर को ब्रोक किया जाता है. सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन, इट इज ब्रोकन एंड in terms of activities and all skill attitudes knowledge are important and developed through activities. जो भी सीख जाते हैं वो activities से सीख जाते हैं. This type of curriculum जो है, it is based on the ideas of you know Ricciu, Locke, Froebel, Montessori, no sorry John Dewey, Montessori etc. So here activity rather than language becomes the medium of instruction. इसके मेरिट्स अगर हम देखेंगे, मेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज दैट इट्स अ लॉट ऑफ मेरिट्स, यू नो, क्योंकि इट इज हेल्प्स द चाइल्ड, इट एक्चुअली हेल्प्स टू मेक द चाइल्ड इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. क्योंकि एक्टिविटी होती है तो चाइल्ड जो है इसमें इंटरेस्टेड होता है ज़्यादा. अनदर वन इज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो चाइल्ड खुद सॉल्व करता है by the mutual help. It also is very much helpful to the potential development, you know, personality development जो child की होती है वो हो जाती है इसमें, क्योंकि activities में उसका interest तो होता है और जहाँ जहाँ पर उसका interest होता है वहाँ पर वो अच्छी तरह उसकी जो development है, personal development जो है वो हो जाती है. और ये curriculum जो है, language never becomes a barrier in activity. लैंग्वेज यहाँ पे बेरियर नहीं होता है टीचिंग और लर्निंग में, क्योंकि एक्टिविटी से काम चलाना पड़ता है. और एक जो कैरिकुलम है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग सच एज प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डाल्टन मेथड, प्लेवे मेथड एंड मोंटेसरी मेथड. सो इट इज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट. इट यू नो ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साउंड बॉडी. इसकी डिमेरिट्स जो है, डिमेरिट्स में अगर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि जो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द एम समटाइम्स इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग मे लीड टू जीलियसी अमंग द दीज पार्टिसिपेंट्स. करिकुलम जो है यहाँ पे साल जो इट नेगलेक्ट्स द
नॉलेज ऑस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नॉट बी पॉसिबल थ्रू एक्टिविटीज, देर आर ऑल्सो थ्योरिटिकल थिंग्स ऑल्सो, ऑल द एक्टिविटीज मे नॉट सूट ऑल टाइप ऑफ मेम्बर ऑफ ए ग्रुप, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं और जो किसी का इंटरेस्ट किसी एक्टिविटी में नहीं होता है तो उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है. अनदर वन इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जिसको हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं. चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है इट्स दैट करिकुलम विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज एप्टीट्यूड्स एटसेट्रा एटसेट्रा ऑफ द चाइल्ड, और जो सर्कमस्टेंसेस चाइल्ड होते हैं उसी के हिसाब से देते हैं. कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इमर्जेड एज अ रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड्स रिवोल्ट अगेंस्ट सब्जेक्ट कंपार्टमेंटाइजेशन. द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है इसमें चाइल्ड जो है ही रिमेन्स एट द सेंटर, चाइल्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस जोर होता है और चाइल्ड के नीड्स एस्पिरेशन जो है उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है रादर देन द सब्जेक्ट. ओके, इसकी मेरिट्स की अगर हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑर्गेनाइजर फॉर द चाइल्ड, his personal needs and interests are you know socially derivable. So child main focus jo hota hai learner ke liye child ke liye ye bahut acha hota hai. It gives freedom to the pupil. Freedom sabse badi baat hai isme, kyunki ek jo individuality hai ya individual differences jo hai ye recognize karta hai to har kisi ko apne hisab se milta hai. It also draws out what is best in the child because it provides him expanded exposure. और इसमें जो है टीचर को इज नॉलेज नोइंग और अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड देन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ज़्यादा चाइल्ड पे जो प्रेसिडेंस रहती है. और यहाँ पे टीचर जो है ही रिमेन्स गाइड एंड नॉट द इंस्ट्रक्शन. इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. फॉर एग्जांपल इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स इन साइकोलॉजी विच आर जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं दे कॉन्ट बी इजिली कंसिडर्ड इन दिस करिकुलम. और ये स्लो प्रोसेस है, वी कॉन्ट फिनिश द करिकुलम इन टाइम. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. लेट्स यू नो डिस्कस अनदर पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक टुमारो. थैंक यू.